तरुण जी हेलो, कैसे हो? भारत जी नमस्ते। तरुण जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई तरुण जी। सर फिशर से इंटरनल सूजन भी हो जाती है क्या? बिल्कुल हो सकती है राहुल जी, इसी को ही साइलेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। और यही फिशर स्लोली स्लोली कभी कभी फिफ्थला के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि किसी भी तरह की आपकी डिफॉर्मिटी है, आप तुरंत अपने छात्रता विशेषज्ञ से एक बार जरूर मिल लें। जितेंद्र जी हेलो। सर जी मैं गुजरात से हूँ। ओके गॉड ब्लेस यू। प्रियंका जी गुड इवनिंग। हेलो सर, मेरा फिस्टुला की कटिंग हो रही है पर निशान समझ आ रहा है कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ कटिंग हो रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उस समय के साथ जैसे जैसे आपका फाइनल होएगा, उस समय के साथ जो स्कैर दिखाई देगा वो खत्म हो जाएगा। सर्जिकल स्कैर और क्षार सुत्रा के स्कैर जो होते हैं, जो निशान बनते हैं या जो ग्रुप बनते हैं, उनके अंदर बहुत अंतर होता है। आप कुछ समय के बाद ये भी नहीं पहचान पाओगे कि आपका क्षार सुत्रा स्टार्ट कहाँ से हुआ था। सर मैं नागपुर राजस्थान से हूँ। ओके वेरी गुड ब्लेस यू। सर फिशर का और फिस्टुला का ऑपरेशन कराया है, वापस तो नहीं होगा? नहीं होगा। मॉडर्न सर्जरी के अंदर रिपीट होने के चांसेस हैं, लेकिन क्षार सुत्रा के अंदर रिपीट होने के चांसेस नहीं होते। नमस्ते जी। नमस्ते कामनी जी। हेलो सर, मुझे नॉर्मल स्टूल आने पर जलन लगती है लेकिन हार्ड स्टूल आने पर जलन नहीं लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी से ना एसिड सिक्रीशन ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से मोशन के रास्ते जलन होती है। और जलन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ा इशू है, ऐसा नहीं होता। माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स किया करो। जैतरी तेल, नारियल का तेल बराबर मात्रा में मिक्स कर लो और रेगुलर मोशन के रास्ते मसाज शुरू कर दो। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? अच्छा फ्रेंड भाई देखो, लाइक भी कर दिया करो यार। लाइक तो केवल दो हैं अभी, देखने तो वाले 32 देख ही रहे हैं ना। लाइक भी कर दिया करो, अपना क्लिनिक तो है ही है, अभी डॉक्टर आपको सर्विस तो देते ही हैं। लाइक इसलिए अच्छा लगता है, हमको भी हिम्मत सी लगती है कि चलो भाई लाइक करने वाले बंदे तो हैं। मैं रेगुलर जैतर तेल लगा रहा हूँ। ओके गॉड ब्लेस यू। कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइफ में आप परमानेंट जैतरी तेल लगा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट या कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको कभी लाइफ में नहीं आएगी। हमेशा मोशन के रास्ते हमेशा लगा सकते हो। चार सूत्रा बहुत हार्ड टाइट किया है डॉक्टर ने, आज स्वेलिंग आई है, पेन भी बहुत है। कोई बात नहीं, अभी अगली बार बोलना डॉक्टर को कि सर छाछ सुतरा थोड़ा ढीला रखें, ज्यादा टाइट ना करें और गुनगुने पानी के अंदर सिकाई करते रहें। एक दो दिन का कभी कभी एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया करो, जैसे आपको छाछ सुतरा चल रहा है। हालांकि मेडिसिन का रोल तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन या जैसे जैसे आपको स्वेलिंग या पेन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, थ्रेड चेंज जिस दिन कराते हैं उस दिन 1 से 2 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कर लो। 1 दिन या 2 दिन, 1 खुराक या 2 खुराक खा लो, उससे आपको रिलैक्स मिल जाता है। बहुत से डॉक्टर देते हैं, बहुत से नहीं देते, ये भी डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करती हैं। ट्रीटमेंट करने के सब डॉक्टरों के तरीके अपने अलग अलग हैं। जैसे बहुत सारे सर्जन आपने देखे हैं, ऑपरेशन तो सब करते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा ऑपरेशन करता है, वहां पे चले जाओ। तो ऐसे ही होता है कि ऐसा नहीं है कि छाछ सुतरा करने वाले सभी डॉक्टर एक तरह से छाछ सुतरा करते हैं, सबके हाथ एक जैसे होंगे। सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर सबके हैंड्स अलग अलग होते हैं और सबके काम करने के अपने अपने नजरिए हैं, अपने अपने तरीके हैं। तो मोशन के रास्ते किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है और छाछ सुतरा आपका चल रहा है, तो अपने डॉक्टर को अपने विश्वास में लेके उनको प्यार से बोलो कि सर मेरे को टाइट अब की बार ज्यादा था, तो सर अब की बार थोड़ा सा लूज कर देना। कोई बात नहीं, अगर 4 थ्रेड की जगह 6 पड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? रूटीन वर्क तो आप सारे कर ही रहे हो ना। गुनगुने पानी से सिकाई, जैतरी तेल रेगुलर मोशन के रास्ते डालना, इससे आपकी रिकवरी बहुत अच्छी बनेगी। और कभी कभी एक दो दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता। 6 महीने हो गए हैं छाछ सुतरा करवाए, क्या है मूलबंध क्रिया कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बेटे, वो तो छाछ सुतरा करने के तुरंत बाद कर सकते थे। सर मुझे वेस्टर्न टॉयलेट में पेन होता है, ओरिएंटल टॉयलेट में पेन नहीं होता है, इमरजेंसी यूज करना पड़ता है कभी कभी, क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करें बहुत ज्यादा डेफिकेट मतलब मोशन करते समय ना बहुत ज्यादा प्रेशर ना लगाएं। कोशिश करें कि ज्यादा प्रेशर आपको ना लगाना पड़े, उससे ही आपकी रिकवरी बन जाएगी। और मोशन के रास्ते हमेशा तेल की मसाज करें। तेल हर जगह मिलता है, आप कहीं भी रहो हर जगह तेल की अवेलेबिलिटी होती है।
चाहे वो नारियल का तेल हो चाहे वो जैतेदी हो। जैतेदी नहीं मिलता तो नारियल का तेल तो पक्का हर घर के अंदर मिल जाता है। तो नारियल का तेल आप मोशन के रास्ते मसाज कर सकते हो, लेकिन मसाज को कंटिन्यू किया करो। बहुत से पेशेंट कहते हैं सर जब मैं ठीक हूं मैं क्यों करूं। स्वस्थ आदमी को भी मलद्वार के अंदर लुब्रिकेशन देना चाहिए, ठीक है। रेगुलर येलो लाइटिंग का रीजन क्या है? अरे ये क्या बात है बेटे, ये तो आपके खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। आप आयरन टोनिक स्टार्ट कर दो, ब्लैक आना लगेगा भाई। जितना आयरन ज्यादा होगा ब्लैक स्टूल आएगा। येलो लेते हो तो नॉर्मल आपका रूटीन वर्क में जो आता है खाना वो लो। येलो लाइटिंग उससे क्या फर्क पड़ता है खाने पीने से? आप चुकंदर खाना शुरू कर दो, चुकंदर से रेड कलर का आएगा, ठीक है। मुझको 10 महीने से फिशर है, क्या करूं सर? इसके लिए तो बेटे आपको छाछुला की तैयारी करना पड़ेगा। मेरी डिलीवरी के बाद हमेशा बवासीर हो अपवाद। बेटे आपको माया बवासीर नहीं होती, ये फिशर होता है। फिशर होता है मोशन के रास्ते कभी भी किसी भी तरह का पेन होने का मतलब आपको फिशर है। बवासीर के मस्सों के अंदर कभी भी पेन नहीं होता, और जो बवासीर के मस्से बाहर दिखाई देते हैं पेशेंट को वो सेंट्रल टैग होते हैं या एक्सटर्नल हिमेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर पेन हो जाता है। क्या अब मुझे वापस हो जाएगा डिलीवरी होने पर? नहीं नहीं, छाछुतरा होने के बाद क्यों हो जाएगा आपको? बिल्कुल नहीं होएगा। बस मोशन के रास्ते रेगुलर अपना तेल वगैरह लगा लिया करो। सतीश जी सर आपकी दवा दया से मेरा क्रोनिक फिशर बिल्कुल ठीक हो गया, गॉड ब्लेस यू। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये सब बोल लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद इशाक वी फर्स्ट लाइक अनुज गोस्वामी चला रहे भैया, गॉड ब्लेस ऑल जो इतना ऐसा हमको प्यार करते हैं लाइक करते हैं। एक्चुअल में हम लोगों का ना मेन मकसद ही प्रोसेसर को किसी भी तरह के एनएल डिपार्टमेंट के प्रोसेसर को किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी को या छार सुतरा को एक माइंड के अंदर एक जो होता है ना कि लोगों को पता ही नहीं था। मेरे को लगता है कि बहुत से मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर मेरे को तो आपके चैनल के बाद ही पता लगा है छार सुतरा की कोई चीज होती है या छार सुतरा के डॉक्टर भी कहीं होते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। ये अच्छी बात है कि हमारे चैनल को आप लोग देखते हो, कम से कम आप लोगों को तो पता है कि भी एनोरेक्टल डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर अलग होते हैं, और इस डिपार्टमेंट के अंदर जागरूकता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश क्या करें कि भाई अपने आसपास के अपने मेन जो इम्पोर्टेंट बंदे हैं जो चाहने वाले हैं आप लोगों के, तो उनको भी बता दिया करें कि भाई नहीं नहीं एनल डिपार्टमेंट के अंदर केयर करना बहुत ज़रूरी है, आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, आपको उसको रेगुलर यूज़ करना है। जैसे आप रोज़ मुँह से खाना खाते हो ऐसे ही पोटी भी तो रोज जाते हो, तो ये किसी भी तरह के एनल डिपार्टमेंट की डिफॉर्मिटी के लिए अगर ये चैनल हमने बना रखा है तो ये चैनल तो कम्युनिटी के लिए एक तरह से ये तो क्या बोलते हैं समाज की सेवा है भाई, एक तरह से ह्यूमैनिटी का एक अच्छा वर्क है ये, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है हम लोगों का। चलो हमने स्टार्ट किया, आप लोग उसको कोऑपरेट करते हो उसको बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग इससे अर्न कर रहे हैं, इससे इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल ये है कि पब्लिक तक केवल ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एनल डिपार्टमेंट के अंदर आपको किसी भी बीमारी को लेके डिले नहीं करना। घर बैठ के उसको ये नहीं देखना कि चलो भी बवासीर का इलाज वहां से हो जाता है या बवासीर की 2 खुराक ले वहां से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये सब चीजें छोड़ दो, डॉक्टर से मिलो, कोई भी दिक्कत होती है डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, ओके प्रियंका बेटे, मेरा छाछुतरा ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर मुझे पेन किलर और एंटीबायोटिक दे रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक चलता है। एंटीबायोटिक मीन सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो एंटीबायोटिक का रोल किस तरह का नहीं होता। अगर पेन किलर भी लोगे और छाछुतरा चलाते रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जितेंद्र जी सर मैं कोई स्पाइसी भी नहीं लेता हूँ, 5 दिन से मोशन पास करते टाइम जलन होती है, क्या करें कि जलन कम हो? मोशन के रास्ते रेगुलर जैत्यादि तेल और नारियल के तेल के बराबर मिश्रण की मसाज लें, दोनों तेल को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें, इसकी रेगुलर मसाज करें। रेगुलर मसाज करने का एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि लुब्रिकेशन बनेगा, और लुब्रिकेशन बनने से जो आपको एसिड सिक्रीशंस रिलीज होते हैं स्टूल के साथ वो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन कम करेंगे। और ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, अभी खैर 5 दिन से हुआ है तो वेट कर सकते हो, अगर ज्यादा लगता है तो गुलकंद मार्केट से ले सकते हैं, 2 चम्मच गुलकंद रात में दूध के साथ आप ले सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। सर मैं रेगुलर नागौर राजस्थान से हूं, मेरा को 2 साल पहले फिशर हुआ था, लेकिन अभी मलद्वार के जस्ट अंदर के साइड एक गोल खड्डा हो गया है, दर्द होता है, पस निकलता है,
फूल भी आता है वो लैटिंग करने के बाद। ये कमलेश जी आपको इंटरनल ब्लाइंड फिस्टुला है जो कि फिशर के बाद कन्वर्ट हुआ है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर आपको फिशर बना है तो फिशर के बाद ऑन द स्पॉट डॉक्टर से मिले, नहीं तो आपके फिशर कभी कभी फिस्टुला के अंदर चले जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं। ये जो रेगुलर पेन और ब्लड आपके आने की समस्या है कमलेश जी, इसके अंदर छार सुतरा ही आप कराओ, किसी भी तरह का दूसरा कोई भी समाधान आपके पास नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई कोई मेडिसिन या कोई जुगाड़ करने से मैं ठीक हो जाऊंगा तो वो बकवास है, ठीक है। मौसम में जलन हो रहा है कोई बात नहीं, आप गुलकंद एक चम्मच रात में दूध के साथ लें, कोकोनट का तेल, मौसम के रास्ते रेगुलर मसाज करें, ठीक हो जाओगे। बहुत ज्यादा नमक मिर्च का खाना बंद कर दें, ठीक है। फिशर की प्रॉब्लम 15 दिन पे हो रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, 1 साल से हर मंथ हो जाता है। सर बेटे अगर 1 साल से अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको दिखाना पड़ेगा, ये क्रोनिक फिशर के अंडर आ सकता है और हो सकता है कि आपका छार सुतरा हो, ठीक है। सर कुछ डॉक्टर छार सुतरा के नाम पे सिंपल थ्रेड से फिस्टुला ट्रैक को मैनुअली कट कर देते हैं। पहली बात तो निर्मल, पहली बात तो ये कि जो डॉक्टर जो आप बोल रहे हो वो डॉक्टर एक्चुअल में होते ही नहीं है, वो लोग केवल क्वैक हैं, एक चोरों की तरह वर्क करने वाले बंदे हैं। ये बंगाली मद्रासी ये डॉक्टर कहीं के भी किसी भी तरह से कॉलेज के अंदर पढ़ के नहीं आते और ना इसके पास इनके पास किसी तरह की ऑथेंटिसिटी होती है। तो ये तो हम लोगों को समझदारी से समझना चाहिए कि भाई छार सुतरा क्या है और ये ट्रेडिशनल जो नॉर्मल सर्जिकल थ्रेड है वो क्या होता है, और जिस दुकान पे हम जा रहे हैं भाई ग्राहक की क्या जिम्मेदारी होती है। जो कस्टमर होता है किसी भी तरह की जिम्मेदारी उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि कम से कम जिस दुकान पे आप चढ़े वो क्लिनिक है, कैसा है, कैसी उसकी कंडीशन है और किस तरह का वहां पे डॉक्टर बैठा हुआ है, कम से कम ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत से पेशेंट्स के दिमाग में होता है कि छार सुतरा के पास तो जाके पैसा ज्यादा लगेगा, ये डॉक्टर 10,000-5,000 में काम कर देगा, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, पूरा जीवन आपका पड़ा हुआ है और आप अपने लाइफ को, अपने पूरे पार्ट को, अपनी बॉडी को और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट को किसी भी झोला साहब को सौंप देते हो, वो ऑपरेशन कर देगा आपका। मतलब आपको आपको पैसा दिखा कि भाई पैसा ज्यादा लिया, अरे पैसा जो अगर लेते हैं डॉक्टर तो उसको ठीक भी तो करके दे रहे हैं ना आपको परमानेंट, और जो डॉक्टर पैसा ले रहा है वो तो अपनी फीस ले रहा है, जेन्युइन फीस ले रहा है, क्योंकि वो पढ़ के आया है यार, मेहनत करके आया है। आप ये क्यों नहीं समझते, एक एक वकील है, एडवोकेट है, उसने पैसा लिया, फीस ली, लेकिन जेन्युइनली, क्योंकि उसका काम है, उसका प्रोफेशन है। लेकिन एक चोर है, उस चोर को तो आप 100 रुपए भी दोगे वो फ्री के हैं भाई। कोई भी किसी भी तरह का चोर बैठा हुआ है, क्वेक बैठा हुआ है, झोल साहब बैठा हुआ है, अगर वो, मैं कह रहा हूं कि अगर उसके उसके पास तो 50 रुपए 100 रुपए भी उसको फालतू के हैं, वो चोर है, उसके लिए तो 100 रुपए बहुत है। लेकिन रजिस्टर्ड प्रोक्टोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने लाइफ को 10-10, 15-15 साल अपनी लाइफ के खराब करके आते हैं, उसके बाद वो कुर्सी में बैठते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद वो जिस पोजिशन पे बैठते हैं उसके बाद तो अगर फीस लेंगे, कंसल्टेशन लेंगे या प्रोसीजर का चार्ज लेंगे तो वो जायज बनता है यार, गलत नहीं बनता। बहुत से फ्रॉडी लोग हैं, चोर बैठे हुए हैं, कोई कोई 50,000-60,000-2 लाख किसके फ्रॉडबाजी से या चोरी करके ऐसे कमा लेते हैं, उन लोगों को कोई नहीं बोलता। होटल वाले दुनिया भर के बिल बनाते हैं, खाना खाने जाते हैं, 10-10 हज़ार के बिल 2 मिनट में बनवा देते हैं, 10-10, 20-20 बंदे जाते हैं खाना खाने के लिए, वहां पर टिप भी देके आते हैं, वहां पर कोई नहीं बोलता, लेकिन डॉक्टर की फीस के लिए सब बोलते हैं। एक सिस्टम प्रॉपर रूप से समाज के अंदर जो है वो स्लोली स्लोली डाइवर्ट होना चाहिए। आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि जो बंदा फीस ले रहा है वो एक जेन्युइन है, उसके पास उस चीज की ऑथेंटिसिटी है और वो खुल के अपनी फीस मांगता है। लेकिन एक झोला साहब जो चोर बैठा हुआ है, जो थर्ड क्लास लोग है, आप उनके पास जाके पैसा देते हो, कट के आ जाते हो, ऑपरेट कराते हो। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि सर 2 बार बंगाली के पास गया, सर एक बार ये काम करा लिया, सर एक बार ये काम करा लिया, सर मेरी लाइफ ही खत्म हो गया। मतलब ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे हैं जो मेंटली कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको पहले तो मैनेज करना आता है कि भाई माइंड को ही मैनेज करें, ये काम कैसे कराएंगे, उनको लगता है कि जैसे जैसे मैं दुख भोग के आया हूं ऐसा ही मेरे को यहां पे होएगा। ऐसा नहीं होता, पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जो चीज जेन्युइन होती है वो बताई जाती है। इसलिए ये लेक्चर जो दिया है इसलिए दिया है कि कम से कम आप लोग एक बार किसी डॉक्टर के पास भी जाओ, कम से कम ये देख लो कि ये डॉक्टर आपकी आपकी बीमारी को ठीक कर भी देगा कि नहीं। बहुत से कहते हैं कि सर मेरे पापा जबरदस्ती लेके चले गए, या मेरे पड़ोस वाले सर 10 पेशेंट का कराया सर
उस गांव के अंदर गए, वहां पे बहुत सारों को इंजेक्शन लगा देता है, बवासीर के टिक्के लगा देता है और सबको ठीक कर देता है। हर पेशेंट की कैटेगरी अलग होती है। मल द्वार के अंदर सबको बवासीर नहीं होती, फिशर भी होते हैं, कोलोरेक्टल कोलोरेक्टल कैंसर भी बन जाते हैं, कार्सिनोमा भी हो जाते हैं, थ्रोम्बोस पाइल मास, इस्टेंगुलेटेड पाइल मास, अरे हजार बीमारियां हैं मोशन के रास्ते की। सबको इंजेक्शन से ठीक कैसे कर देगा कोई बंदा? अगर इतना इजी होता तो हम डॉक्टरों को क्यों नहीं पता? इंजेक्शन तो हम भी लगाते हैं, लेकिन इंटरनल पाइल मास के अंदर, जिसको हम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं, पेनलेस थेरेपी, 0% पेन, 5 मिनट रुकता है, पेशेंट तुरंत अपने घर भाग जाता है। तो हर पेशेंट की कैटेगरी अलग होती है और हर पेशेंट की कंडीशन भी अलग है। जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब कहते हैं सर मेरे को पाइल्स की समस्या है। नहीं, पाइल्स में, फिशर में, फिस्टुला में, पीएनएस के अंदर, स्टेंगुलेटेड पाइल मास के अंदर, थ्रोम्बोस पाइल मास के अंदर, हर बीमारी के अंदर अलग 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 ट्रीटमेंट होते हैं और सब बीमारी अलग होती है। अभी आप पेट के अंदर दर्द हुआ, पेट के अंदर दर्द बनने के बाद कहने लगा सर ये तो अपेंडिक्स का दर्द है। क्यों? अपेंडिक्स का दर्द कैसे हो जाएगा भाई? अपेंडिक्स के दर्द के सिम्टम्स अलग होते हैं। गोल ब्लैडर के अंदर अगर कोई पेन हो गया तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। रीनल कैलकुली अगर आपको होगा, गुर्दे के अंदर अगर पेन होगा तो उसके सिम्टम्स अलग है। इसका मतलब पेट दर्द का मतलब थोड़ी कि एक जैसा पेट दर्द हो गया, सबका अलग अलग हो गया ना। जैसे पेट के अंदर हजार बीमारियां हैं, ऐसे ही मोशन के रास्ते के अंदर हजार बीमारियां है। तो पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी मरीज की ये होनी चाहिए कि मेरी बीमारी का कम से कम ये पता तो लगे कि मेरे को एक्चुअल बीमारी है क्या। ठीक है, बबलू जी, क्षार सुतरा करवाए 6 महीने हो गए हैं, जैते तेल कब तक? पूरा लाइफ लगाओ। मोशन के रास्ते का लुब्रिकेशन हमेशा करो, कोई दिक्कत नहीं होती। गुलाम जी, मेरे 2 बार क्षार सुतरा करा लिया सर। पहली बात तो ये कि आपका क्षार सुतरा नहीं, अच्छा ओके, एक मिनट, डॉक्टर लालता प्रसाद के यहाँ 3 महीने हो गए हैं, धागा निकले हुए, अंदर जख्म है, दर्द रहता है, पस नहीं आता है, क्या करें? रेगुलर बेटे मोशन के रास्ते जाते तेल लगाएं। अगर डॉक्टर लालता प्रसाद के पास आपने कराया है, फिर आप आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है सर, मुझे स्टूल पास करने में पहले बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आपके बताए तरीकों से काफी आराम है। क्या खाने में जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन लिमिट के अंदर। किसी भी तरह की कोई भी चीज आप लो, हर चीज लो, लेकिन लिमिटेशंस। अभी जिंजर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा खाने लगो। ठीक है, हर चीज की लिमिट होती है, लिमिट से आप कोई भी काम करो सब अच्छा होता है। लिमिट से तो पानी भी अच्छा होता है, और लिमिट को ओवरडोज करोगे पानी की, आपको 2 गिलास की जरूरत थी, आपने 3 गिलास पी लिया तो नुकसान कर देगा। ऐसे ही हर चीज की लिमिट बना लो कि भाई मेरी बॉडी को क्या चीज ज्यादा बेटर काम करती है और क्या चीज मेरे को सूट करती है, बस कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बाइक राइड करने में तकलीफ हो रही है सर, फिस्टुला छार सुतरा के में क्या करें? फिस्टुला छार सुतरा में क्या करें बेटे, समझ में नहीं आया। देखो बेटे, अगर आपका छार सुतरा चल रहा है तो कोशिश करें बाइक को राइड करना बंद कर दें। जितना भी यूज करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, पैदल चलें, घूमें फिरें, ज्यादा बाइक चलाओगे तो नुकसान होगा। सर पाइल्स हो गया है बेटे, इसके लिए दिखाना पड़ेगा। सर गुदा मार के चारों तरफ खुजली होती है, क्या करें? जैत्यादि तेल और नीम का तेल लेके आए, नीम का तेल, जैत्यादि तेल बराबर मात्रा में मिलाएं, मोशन के रास्ते मसाज करें। टैबलेट नीम घनवटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम खाना शुरू कर दें, और 1 टैबलेट कीड़ों के लिए जेंटिल आती है या बेंडी प्लस, टैबलेट जेंटिल या बेंडी प्लस सोते समय केवल 1 गोली दूध के साथ ले लें, या किसी भी स्टोर पर जाएं उनसे बोलो 1 कीड़ों की गोली दे दो, वर्म्स के लिए 1 कीड़ों की गोली दे दो, सोते समय 1 गोली ले लेना। ये ट्रीटमेंट आप 15 से 20 दिन फॉलो करो, उसके बाद लाइव क्लिनिक में मेरे को दोबारा बता देना। कितने दिन के बाद लगभग नारियल ऑयल यू लगा? नारियल तेल तो बेटे अगर आप बिल्कुल ठीक हो, अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ तो नारियल का तेल लगाना शुरू कर दो, लेकिन लगाना हमेशा है। मोशन के रास्ते के जितने भी मरीज हैं, ठीक होने के बाद भी मोशन के रास्ते का लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल हमेशा लगेगा। तेल को लाइफ में आप कभी बंद नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि भाई तेल रोज लगाने से नुकसान हो जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तेल लगाने से, कोई दिक्कत नहीं सर। मुनक्का कंटिन्यू कितने दिन तक, परमानेंट लाइफ टाइम खा सकते हो? अजय जी, कोटक्कल आयुर्वेद का जैते तेल आता है, उसका पूरा नाम जात्यादि केरा तेलम है,
या जैतन तेल, जैतन केरा तेलम के नाम से आता है, लेकिन बेस्ट है, आप उसको यूज करो ब्लाइंडली फेथ करके, ठीक है। मनीष जी, सर मेरा छाछुतरा हो चुका है, मैं क्या डेली सरसों का तेल? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोकोनट का तेल जमा हुआ है तो बेटे वही तो बेस्ट है, उसको हल्का सा गर्म पानी में रख दिया करो, लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद लगा लिया करो। कोकोनट का तेल ना बहुत अच्छा होता है। सरसों का तेल कभी कभी बर्निंग सेंसेशन कर देता है, नारियल का तेल बर्निंग सेंसेशन नहीं करता। सेप्टिलिन गंधक रसायन साथ साथ ले सकते हैं क्या? नहीं, साथ नहीं ले सकते। लाइव क्लिनिक का टाइमिंग बताए सर। संडे की कोशिश करता हूं आने की, और संडे को वही 7-7:30 बजे के करीब आ जाता हूं। टाइम का बेटे टाइम का इसलिए नहीं बता पाते बिकॉज की मैं ना अभी और भी बहुत काम होते हैं डॉक्टर के, अभी वो एक फिक्स शेड्यूल नहीं, मतलब कोशिश करने के बाद भी निकाल नहीं पाते। अभी कोई यूट्यूबर है या जनरल जो यूट्यूब पे आते हैं, उन लोगों के पास तो हर चीज का फिक्स टाइम है, क्योंकि उनको तो यूट्यूब पे कंटेंट डालना होता है। हम लोगों के पास वो टाइम नहीं निकल पाता, कभी कभी बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत बार ऐसा होता है संडे को लाइव क्लिनिक कर नहीं पाते, ज्यादा थक जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये हमारा कारण है बिकॉज कि हमारा बेटे दूसरा काम भी तो होता है। तो फिर भी संडे को मैं अपनी तरफ से बहुत ट्राई करता हूँ कि भाई नहीं संडे को तो मैं टाइम निकाल दूं, लेकिन कभी कभी अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन संडे को मेरा मैक्सिमम टाइमिंग लाइव का होता ही होता है। संडे के दिन तो मैं हमेशा करता हूँ, कभी कभी छूट जाए तो नेक्स्ट संडे ट्राई कर लेंगे, ठीक है। फिशर पूरी तरह से कितने दिनों में ठीक हो जाता है? आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपको एक्यूट फिशर है तो 2-3 महीने लगते हैं बिल्कुल फाइनल होने में। अगर आपको क्रोनिक फिशर है और आपका छारसूत्रा हुआ है तो 30 डेज के अंदर आपकी रिकवरी फाइनल, जो आपका घाव बनता है नया, उस घाव को भरने में 1.5-2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि मोशन के रास्ते के जो घाव होते हैं उनके अंदर टाके वगैरह नहीं लगते, समय के साथ भरते हैं, लेकिन वो जो घाव होते हैं वो हेल्दी पार्ट के होते हैं और उनके अंदर दर्द नहीं होता, 0% पेन होता है, ठीक है। 2 साल पहले डॉक्टर को फिशर बताया था, लेकिन अभी मलद्वार के जस्ट अंदर साइड एक खड़ा सा हो गया है जिसमें उंगली भी जा सकती है और वहां से खून भी आता है, पस भी निकलता। अच्छा, खड्डा सा कमले जी, मैंने बोला था आपको फिस्टुला है, ये ब्लाइंड फिस्टुला है, कहाँ चक्कर में पड़े हो? तुरंत छारसूत्रा कराओ, तुरंत छारसूत्रा कराओ, तुरंत। फिशर हो गया है विकास जी, तो फिर तो दिखाना पड़ेगा, और अगर अभी बना है तो एक फिशर का वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर जाके देखो, उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। शुभम यादव, फिशर के लिए एक वीडियो पड़ा हुआ है फिशर का, उसको जाके देखो। मोशन के रास्ते तेल की मसाज हमेशा किया करो, जैतन तेल की, स्लोली स्लोली सिम्टम्स कम हो जाते हैं। सर मुझे इंटरनल पाइल्स हैं, ओमकार जी 2 साल हो गए हैं, मैंने पाइल्स क्योर और पाइलेक्स टेबलेट ले रहा हूं, अभी ठीक नहीं हो रहे हैं। देखो, किसी भी तरह के इंटरनल पाइल मास के अंदर, पहली बात तो ये कि कोई सिम्टम्स आपको कैसे पता लगा कि आपको इंटरनल पाइल मास है? अंदरूनी बवासीर के मसलों के अंदर तो कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है, ना कोई दर्द होगा ना कोई दिक्कत होगी। हाँ, अगर आपको खून बहुत ज्यादा गिरता है तो आपको तुरंत एक बार प्रोक्टोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरनल पाइल मास की कैटेगरी क्रॉस करने के बाद जब वो फर्स्ट कैटेगरी से सेकेंड कैटेगरी के अंदर जाते हैं और कभी कभी वो ब्लीडिंग करने लगते हैं, तो वो कैटेगरी निकलने के बाद आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, दवाई फेल हो जाती है, उसके बाद स्क्लेरोथेरेपी आता है। स्क्लेरोथेरेपी आप कराओ, पेनलेस ट्रीटमेंट, ऑन द स्पॉट आप घर जा सकते हो, ठीक है। कभी कभी स्टूल में ब्लड आता है, जैत्यादि तेल रोज लगाया करो, स्लोली स्लोली रिकवरी बनेगी। फिशर हो गया है, इसके लिए बेटे फिशर का वीडियो है, उसको देखो, आपका फोन नंबर मिलेगा 9997881333, 9997881333, व्हाट्सएप करना, अपना अपॉइंटमेंट बुक करना, कल बात होगी। फीस जमा होती है बेटे पहले, ठीक है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना, प्रिस्क्रिप्शन बाकायदा मिलता है, मलद्वार की पेशेंट्स की फोटो देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि 400 रुपये ऐसे ही जमा करा लेते हैं। कंप्लीट सेटिस्फेक्शन जिस पेशेंट का भी ऑनलाइन मेरे साथ हुआ है उसका कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है। अगर इस टाइम भी कोई ऑनलाइन होगा तो वो उसको पता होगा हम कैसे ऑनलाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि 400 रुपये देके केवल बात करके छोड़ देंगे। पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन देते हैं,
जिस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती उसको क्लिनिक बुलाया जाता है कि आपकी कंडीशन ऐसी है, आपको देखना पड़ेगा। और बहुत से पेशेंट्स के मलद्वार की फोटो देख के उसकी कंडीशन के आधार पर उनको दवाई रिकमेंड की जाती है। जिस पेशेंट का छाछ सुथरा होता है उसको छाछ सुथरा के लिए रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, क्लिनिक का टाइमिंग 10 बजे से, लाइव क्लिनिक का टाइमिंग तो बेटे ये टाइमिंग ही है, अभी जो मैं कर रहा हूं ये टाइमिंग ही तो है, फिक्स टाइम नहीं है बेटे कुछ। मैंने डॉक्टर लालता प्रसाद के यहां देखा लोगों को दुनारा, क्या है, लोगों को दोबारा धागा डाल दे। बेटे ये तो सब डॉक्टरों के अपने अपने काम करने के तरीके हैं भाई। अब ये चीज किस डॉक्टर की क्या बात करें, अब सीनियर डॉक्टर के बारे में क्या बोले, सबके अपने अपने काम करने के तरीके हैं। अब किसके पास क्या होता है, किसके पास क्या होता है, अब डॉक्टर आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं तो उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते। सर मल्टी फिशर था, अभी सूख गया है, लेकिन लैट्रिन के समय हल्का दर्द रहता है, बाकी समय दर्द नहीं है। अच्छा अच्छा दीपक शर्मा जी नमस्कार, नमस्ते भाई दीपक। हल्की समय दर्द रहता है, फर्स्ट स्टूल रुक रुक के आता है, बाकी स्टूल इजिली आता है, स्पिंक्टर वीक हो गया है, प्लीज रिप्लाई। मोशन के रास्ते रेगुलर जाते हैं, तेल की मसाज करें, समय के साथ सब चीजें अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन के बाद वेट ज्यादा बढ़ गया, कम करने के लिए क्या करें? कम करने के लिए एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करो। हेलो सर, मैं नेपाल से छाछ सुथरा से क्रोनिक फिशर का ट्रीटमेंट करवाया। आपके नेपाल में छाछ सुथरा का क्रोनिक फिशर का ट्रीटमेंट कोई कर ही नहीं सकता, कैसे हो गया आपका ट्रीटमेंट? क्रोनिक फिशर के ट्रीटमेंट के अंदर छाछ सुथरा के हर 7वें दिन छाछ सुथरा चेंज किए जाते हैं और लमसम 3 से 4 थ्रेड चेंज होते हैं, उसके बाद होता है क्रोनिक फिशर का ट्रीटमेंट। अभी तक सही नहीं, सही कैसे होगा भाई, आपका ट्रीटमेंट ही सही नहीं हुआ है। आप देखो एक बार, आप सोचो कि ऐसा ट्रीटमेंट चलाएगा जो मैं बताता हूं, एक साइड नस दर्द करता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, टॉयलेट लगा जैसा रहता है, ट्रीटमेंट सही नहीं है बेटे आपका। सर क्या गर्म तासीर वाली चीजें खा सकते हैं? हाँ खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते, हल्की हल्की तो खा ही सकते हो। सर मेरा छाछ सुथरा निकल गया है, मुझे क्या अच्छा प्रिक्वेशन लेनी है, क्या मैं राइस नींबू, हाँ सब कुछ खा सकते हो। लंबी शूटिंग लंबी ड्राइव का ध्यान करें, ज्यादा नॉनवेज ऑयली स्पाइसी ड्रिंक वगैरह का बिल्कुल बंद कर दें, इन चीजों का ख्याल करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जितेंद्र जी, सुमित जी, सर मेरा एनल फिशर का ऑपरेशन हुआ है LIS मेथड से, 1 महीना हो गया है, तो मैं अब जैतर तेल यूज करूं या जैतर घर्तम यूज कर लो बेस्ट है? सर जी फिशर कितने देर में ठीक हो जाता है? बेटे डिपेंड करता है कंडीशन आपकी कैसी है। अगर आपका छाछ सुथरा होगा तो केवल 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देंगे, और अगर आपका मेडिसिन से होगा और मेडिसिन के लायक वो होगा तो 2 से 3 महीने। सुमित जी, सर मेरा फिशर का ऑपरेशन LI, ओके अभी बताया था मैंने, अभी 1 साल से फिशर है, क्या करूं, वेस्ट बंगाल से हूं। इसके लिए तो बेटे आपको छाछ सुथरा ही कराना पड़ेगा। 10 महीने से फिशर है, इंडिया में नहीं हूं, कोई मेडिसिन या तेल? नारियल का तेल लेके आओ, नारियल का तेल लगाओ, और कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप वहां पे यहाँ पे हो ही नहीं। नारियल का तेल लगाओ और कुछ नहीं कर सकते, रेगुलर लगाओ, दिन में 3-4 बार लगाओ, और गुनगुने पानी के अंदर शिकायत करो, कब्ज का थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है सर, स्टूल में ब्लड कभी कभी आ जाता है, स्टूल में ब्लड लाइन सी आती है, मैं डॉक्टर सर्वेश गोरखपुर, बहुत अच्छे डॉक्टर है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक बोला है, कब्ज होने पर मुझे प्रॉब्लम होती है, क्या करें, कब्ज का कोई समाधान? बेटे कब्ज के लिए तो डॉक्टर सर्विस ने बताया ही होगा आपको, जो डॉक्टर सर्विस ने बताया ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके ऊपर फेथ करो, उनसे ट्रीटमेंट लो। फिशर हो गया है, मसल्स टाइट हो गया है, कट लग गया है, मोशन के रास्ते रेगुलर जाते तेल की मसाज करें, अगर उसके बाद भी दिक्कत बनती है तो एक बार विजिट कर सकते हैं। 1 साल से फिशर है, मेडिसिन से ठीक हो रहा है, और मेडिसिन स्टॉप करने के कुछ दिन बाद स्टूल की वजह से फिर से कट हो जाता है, क्या करें? एक तो मोशन के रास्ते जिनको भी फिशर बनता है हमेशा जाते तेल की मसाज किया करें, उसके बाद भी अगर रेगुलर आपको होता है या भाई मसाज करते रहो उसके बाद भी अगर आपको हो रहा है, इसका मतलब आपको छाछ सुथरा की नीड है, छाछ सुथरा आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, हाय अनिल जी मुंबई से, ओके। हेलो सर, फिशर है, फिशर के लिए जाते तेल रेगुलर लगाएं, मोशन के रास्ते
गुनगुने पानी की शिकायत करें, कब्ज का ध्यान रखें, ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम है तो एक बार किसी अच्छे पोक्लोजिस्ट से मिलें, नहीं तो एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है फिशर का, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई 31 मिनट हो गए हैं, तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं फेसबुक पेज पे। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो फेसबुक पेज पे मेरे को क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि फेसबुक पेज पे पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। डॉक्टर अनुज गोस्वामी के नाम से फेसबुक पेज है, जिस किसी ने फॉलो नहीं किया है वो एक बार फॉलो कर लें। और लाइव क्लिनिक फेसबुक पेज पे भी अब रेगुलर करते हैं, हमेशा यूट्यूब के लाइव क्लिनिक के बाद फेसबुक पेज पे मेरा लाइव क्लिनिक होता है 10 से 15 मिनट का, आप उस पर जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें पेशेंट कम रहते हैं फिर बंद कर देते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, तो फिर जवाब देते रहते हैं, उसके अंदर सबके जवाब पॉसिबल है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।